रहे हम तो, मैं तो बहुत लाचार हूँ, मैं तो इतना लाचार हूँ कि बस पूछो मत, आत्महत्या करने पर मजबूर हूँ, मान लो मेरे वार्ड में मैं जनता की सुन सुन के परेशान हूँ इस तरह। क्या नंबर देंगे बताओ, जब इसमें कोई है ही ना रहा, कोई समाधान ही नहीं हो रहा। कैसा आज तक पार्षद ही नहीं देखा कैसा कलस्ती जब से बना है। वोट के टाइम में देखा था? वोट के टाइम पार्टी के अपोजिशन में मैं जा नहीं सकता, अपने बड़े नेता सीनियर नेताओं के खिलाफ मैं कोई बात बोल नहीं सकता, अधिकारी हमारी सुनने को राजी नहीं। कितने नंबर दोगे आप विकास कार्यों को लेकर? नंबर कहा जब देवागे तो कभी शक्ल ना देगी, जीरो घटा में क्यों जीरो नंबर है वाको? क्या फायदा है अब तो, इस टाइम तो हमें ऐसे समझो जैसे चार के घड़ा में पड़े हैं इस टाइम। पार्षद के कहने थे मैडम 500 रुपए का काम भी नहीं हो सकता, तो पार्षद ही पे लानत है ऐसी पर। हम पार्षद तो हैं पर हमारे हाथ में कुछ भी पावर नहीं, कुछ भी नहीं है। जनता त्रस्त, पार्षद त्रस्त और अफसर मस्त। परेशानी बहुत है, बच्चे बाहर जाते हैं तो गिर जाते हैं, वहाँ गड्ढे उड्ढे रहता है। विकास कार्यों को लेकर पार्षद को 10 में से कितने नंबर दो? जीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव न्यूज और मैं हूं निभा रजक। वार्ड स्टोरी में आज मैं यहां पहुंची हूं इंदिरा कॉलोनी यानी कि वार्ड नंबर 13 और यहां की जो पार्षद हैं सुमन भारती जी हैं। 5 साल होने वाले हैं पार्षद को अपनी गद्दी संभालते हुए और जो भी कार्य उन्होंने अपने वार्ड में किए हैं उसको लेकर तो हम यहाँ पहुँचे हैं। लोगों से जानेंगे कि कितने विकास कार्य जो है पार्षद द्वारा उनके वार्ड में कराए गए हैं, जनता उनसे कितनी खुश है और अगली बार जो है चुनाव में जनता का पार्षद के प्रति कैसा रवैया देखने को मिलेगा। अभी चीज़ें हम लोगों से जानते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, लगभग 5 साल होने वाले हैं पार्षद को अपनी गद्दी संभालते हुए, क्या विकास कार्य आपके वार्ड में हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हमें सुविधा यहाँ से 8 साल हो गए, हमें कोई सुविधा नहीं मिला है। गली में हमें दिक्कत होती है आने जाने के लिए, पानी रुकता है और सुविधा हमें कोई चीज की मिला नहीं है। हम लोग किराए पर रहते हैं, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग को परेशानी बहुत है, बच्चे बाहर जाते हैं तो गिर जाते हैं, वहाँ गड्ढे उड्ढे रहता है, मच्छर भी पानी लगता है तो लगेगा, नारी भी होती है बुखार आ जाता है। विकास कार्यों को लेकर पार्षद को 10 में से कितने नंबर दोगे? जीरो। जीरो नंबर दोगे? सीता जी, क्या दिक्कत बनी हुई है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में पानी निकलने की दिक्कत है, लाइट रोड चली जाओ यहाँ दिक्कत है, सारी चीज़ की दिक्कत है, अच्छा कुछ भी नहीं है। पार्षद आप देखा ही नहीं कैसा, आज तक पार्षद ही नहीं देखा कैसा कलस्ती जब से बना है। वोट के टाइम में देखा था? वोट के टाइम में देखा था, उसके बाद नहीं आया, उसके बाद देखा ही नहीं हमने। और क्या क्या दिक्कत बनी हुई है? देखे सारी दिक्कत है, दिक्कत कोई कमी नहीं, सारी दिक्कत, अच्छा कुछ नहीं, मतलब सारा खराब ही खराब है। शर्मिला जी, क्या क्या समस्या है यहाँ पर? क्या यही समस्या है कि जो क्या कहते हैं बारिश आती है तो पानी यहाँ रुक जाती है, पानी रुकने के बाद हमारे बच्चे लोग अपना साफ करते हैं, साफ करते करते बीमार पड़ जाते हैं। हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी, ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से हमें फुर्सत नहीं मिलती। अब इतनी टाइम कहाँ पार्षद के आगे जाए, पार्षद कहेंगे वहाँ जाओ वहाँ जाओ, अब इतनी चक्कर काटे, हमारे 2 बालक खाने वाले हैं, फिर उसके लिए भी कमानी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा कि पार्षद सुमन भारती को अभी तक लोगों ने 0 नंबर ही दिया है। इनका कहना है कि 5 सालों में यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और ये लोग जो है पार्षद से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनका कहना है कि उन्होंने पार्षद की शक्ल भी नहीं देखी है, यहाँ पर बिल्कुल भी पार्षद नहीं आते और लोग यहाँ पर मौजूद है बात करने उनसे। क्या नाम है सर आपका? रमेश। रमेश जी, क्या दिक्कतें बनी हुई हैं यहाँ पर आपके इस गली में? गली में क्या है जी, अब बारिश का पानी है सारा भर जाता है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है आने जाने के लिए, मेन गली है फाटक के लिए, नालियाँ सब ओवर है रही हैं सर, पानी भर जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। पर क्या नंबर देंगे बताओ, जब इसमें कोई है ही ना रहा, कोई समाधान ही नहीं हो रहा, तो अब मुश्किलें आ रही हैं। सभी समस्या रोडन की, पानी की सभी समस्या, पानी नहीं मीठा और रोडन की पानी भरे रहते हैं। तो ये पार्षद बने तब से यहाँ पर कोई समस्या का समाधान नहीं? अब हमने तो देखा नहीं, आ भाई ना तो बेचारा करेगा क्या, जीरो नंबर क्या देंगे जब आवेगा ही ना, हम देखते ना। सर, सुमन भारती जी यहाँ पर बनी है, 5 साल होने वाले हैं, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? सुमन भारती पार्षद जब करेगी विकास तो जो करेगी, किसी ने शकल तलक नहीं देखी है। अच्छा,
उनके पास जाते भी हैं कभी मिलते ही नहीं, ऑफिस खाली मिलता है, कहाँ उनके पीछे पीछे डोले, कंप्लेंट करते हैं तो उल्टा कंप्लेंट कर देते हैं। नेक उनसे कहो तो उनके इसकी नाली की कंप्लेंट नहीं है हम पे, तो जहाँ कंप्लेंट होगी वहाँ करेंगे। बारिश के पानी भरा रहता है 24 घंटे 12 महीना हमेशा, मच्छर गंदगी सब कुछ। कितने नंबर दोगे आप विकास कार्यों को लेकर? नंबर कार्ड जब देवा तो कभी शकल ना देगी, 0 बटा में तो 0 नंबर है वाको। सीधा घुस जाते हमारे घर में, बड़े बड़े बच्चे बीमार होते, सारे हमारे घर में बीमार हो गए बड़े बच्चे, बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई शिकायत कहीं आई नहीं, खाली यहाँ कोई आता नहीं है, बिजली वाले आते हैं, बिजली वाले बोलते तो वो कहते हैं कि कम से कम 50-60 लेडीजों को लेके ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाके बात करेगा, एक बात बताओ किस पे यहाँ इतना टाइम है कि यहाँ से जाए। और जब संग संग फोन करते हैं, अभी 4 दिन पहले आग लगी थी, यहाँ देख लो वहाँ देख लो, एक साथ इतनी तेज आग लगी है कि दूर से वीडियो बनी थी तो भी ऐसा लग रहा था रावण जल रहा है, वो वीडियो शायद होगी भी किसी के पास। पार्षद से शिकायत तो जब करें, पार्षद जी यहाँ पे आए देखे हूँ, पार्षद जी यहाँ किसी ने जब तो कोई करें, यहाँ पे तो भारतीय है बट आती नहीं, वो नहीं आई। इंदिरा कॉलोनी के एग्जिट की बात करें या फिर एंटर की बात करें, हर तरफ जो कूड़ा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी हाँ, अगर अल्फा कॉलोनी रोड की बात की जाए तो जो इंदिरा कॉलोनी का मेन एंट्रेंस माना जाता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी मची हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। वहीं अगर बात करूँ इंदिरा कॉलोनी के एग्जिट की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। उन्होंने पार्षद को इसका जिम्मेदार ठहराया है, उनका कहना है कि पार्षद की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी। आरोप है कि उन्होंने इन 4-5 सालों में कोई भी विकास कार्य इस वार्ड में नहीं किया है, लोग इस चीज़ के साक्ष्य हैं। जानेंगे पार्षद से कि इन 5 सालों में उन्होंने अपने वार्ड में क्या विकास कार्य किए हैं और जनता उनसे क्यों रुष्ट है। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 के कार्यकारी पार्षद धर्मपाल जी। आपको बता दूं कि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं ये इसी वार्ड से। अभी इनसे जानेंगे कि हम इनके वार्ड में गए थे, काफ़ी समस्याएं थी, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, कुछ विकास कार्य हुए हैं वार्ड में, तो कुछ बाकी रह गए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कारण रहा है। सर, आपके वार्ड में हम इंदिरा कॉलोनी में गए थे, वहाँ पर काफ़ी गंदगी देखने को मिली जो एंट्रेंस था इंदिरा कॉलोनी का, तो क्या कारण है कि वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा? मैडम, मेरे वार्ड 13 में गंदगी की बात तो यह है कि सबसे बड़ी तो हमारी अपनी बदनसीबी है कि हमारा सारा वार्ड ही सलम बस्तियाँ हैं। इस वार्ड को हमेशा सलम बस्ती के रूप में ही बनाया जाता है, सलम बस्ती का ये वार्ड है। इंदिरा कॉलोनी वो भी सलम बस्ती है, और सलम बस्तियों में विकास कार्य के लिए आगामी पिछले 5 साल में जो पुरजोर कोशिश की थी मैंने, तो उसमें सीवर पास कराई, मीठे पानी के लिए एक रामनगर बूस्टर भी बनवाया, बूस्टर बनवाने के बावजूद रोड्स भी बनवाए, पार्क्स की भी बाउंड्री कराई, इंदिरा नगर के स्कूल को 12वीं तक भी करवाया, इंदिरा नगर का प्राइमरी स्कूल है उसकी भी बिल्डिंग बनवा के उसको भी करवाया, मिलाड़ कॉलोनी का बिल्कुल जर्जर हालत का था जो गिरने के लिए था स्कूल था प्राइमरी स्कूल, उस प्राइमरी स्कूल को भी बनवाया। सीवर का काम मैंने इंदिरा नगर से ही सो काम में शुरुआत करता हूँ। तो जब लोगों ने हमें वोट दे के चुना है तो हमारा मतलब है कि हमारे जिन लोगों का उनका एहसान तो हम चुकाएं, परंतु कहीं ऐसी मजबूरियाँ हैं, हम पार्षद तो हैं पर हमारे हाथ में कुछ भी पावर नहीं, कुछ भी नहीं है, हम परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि ना हमारी कोई सुन के अफसर भी राजी नहीं है। इसके विषय में हमने सभी तरीके की गुहार लगा के देख लिया। मान्य मैडम पहले गरिमा मित्तल से मिले, उनसे भी रिक्वेस्ट करी, मान्य हमारे जो है कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं मान्य श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी वहाँ डीसी ऑफिस में एक मीटिंग ली थी सभी पार्षदों की, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनसे अपील भी की थी और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन भी दिया था। देखो मेरे तो 3-4 दिन पहले इंदिरा नगर में एक पुलिया टूट गई है, उस पुलिया के लिए मैं जेई से कही, एक्शन से कही, एसडीओ से कही, माननीय एक्शन साहब ने तो एक्सेप्ट किया, हाँ करी, परंतु पब्लिक को तो तसल्ली नहीं होती ना, हालात बड़े बुरे खराब हैं, कोई काम करने को राजी नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं। कहानी तो ये वार्ड में काम नहीं हो रहा है, जनता त्रस्त है, कहीं ना कहीं आप लोगों की छवि खराब हो रही है, क्योंकि जब हमने सर्वे किया तो
सर एक मिनट, जब हमने सर्वे किया तो लोगों ने आपको 012 नंबर दिया, अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करे, कहाँ कमी रह गई है? मैडम देखो ऐसा है, जनता तो काम चाहती है और काम की बात ऐसी है मैडम, निचले स्तर पर काम नहीं हो रहा। अब इससे हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा, मैं ये तो मानता हूँ, मैं इस बात को मैं कभी बिल्कुल नहीं नकारूंगा। इससे हमारी पार्टियों को, अब देखो पार्षदों के चुनाव भी सर पर हैं, किस मुंह से जाएंगे हम वोट मांगने के लिए, या अपने घर बैठना पड़ेगा। सर आप चाहते हो कि काम हो, सरकार चाहती है काम हो, लेकिन काम हो क्यों नहीं रहा है, लोग क्यों परेशान हैं? मैडम बात ऐसी है, मैं आपको बताऊं, जनता त्रस्त, पार्षद त्रस्त और अफसर मस्त। ये कहता है जी मेरे को कोई पाइप जोड़ने के लिए कुछ नहीं दे रहा। फिर मैंने एक्शन साहब को कहा, मैंने कहा एक्शन साहब क्या पब्लिक पे हम में जूते लगवाने का विचार है क्या, इसको जुड़वा दो। एक्शन साहब ने कहा हाँ पार्षद जी मैं करवाता हूँ। मात्र ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का खर्चा था। जब एक पार्षद के कहने थे मैडम 500 रुपए का काम भी नहीं हो सकता, तो पार्षद ही पे लानत है ऐसी पार्षद। पब्लिक के हम एहसान मंद है। जनता की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जब हम वार्ड में गए थे तो देखने को मिला कि कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं बोल रहे थे, पीछे से बोल रहे थे, काफी डर रहे थे आपसे। सर क्या कारण है ऐसा कि लोग आपसे डर रहे हैं? देखो मैडम बात क्या है, उनका कहना था कि अगर वो शिकायत करते तो उल्टा उन पर मुकदमा हो जाता है। ऐसा है देखो मैडम, अभी आप तो आप पार्षदों पर मुकदमा नहीं हुआ अभी, आपने नहीं देखा? आप शिकायत का मतलब क्या, पानी तो मांग रहा था वो, उस पर हो गया था, इसमें क्या बात है? मैडम देखो गलत हम करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा, कोई गलत करेगा तो उसके साथ भी होगा, हमारे अपोजिशन वाले भी तो हैं। अब जो पार्षदी के चुनाव के लिए टाल फटकार रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, अन्य पार्टी से हो, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा, तो वो हमारी बुराई भी करते होंगे और नेचुरल सी बात है कि जो जो समस्या तो थी वहाँ पर, काफी परेशानी देखने को मिली है। एक्चुअल में उन वहाँ की समस्या का समाधान कब होगा, बारिश आने मैडम, से पहले ही? मैडम जी मैं समस्या के समाधान के लिए आपके सामने बिल्कुल तत्पर हूँ। पार्टी के अपोजिशन में मैं जा नहीं सकता, अपने बड़े नेता सीनियर नेताओं के खिलाफ मैं कोई बात बोल नहीं सकता, अधिकारी हमारी सुनने को राजी नहीं, नगर निगम में फंड नहीं है, मैं तो ये साफ कह रहा हूँ। पद का फिर कोई फायदा ही नहीं, पद का क्या फायदा है? अब तो इस टाइम तो हमें ऐसे समझो जैसे गांव में देहात में बरनी में ना अचार डाल देते हैं, ऐसे समझ लो हम अचार के गड़ा में पड़े हैं इस टाइम। चुनाव आने वाले हैं, क्या लोगों से कहेंगे कि कितने कार्य हो गए और आगे किन मुद्दों को लेकर दोबारा चुनाव? देखो जी हमारे एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा हमारे पास है नहीं, हम तो यही कहेंगे जो करा दिया उस पर सबर कर लो। मोदी जी ऊपर बैठे हैं, नीचे खट्टर जी बैठे हैं, और भाई अगली बार अगर आप बना दोगे तो आपकी या बके बचाए सबरे जो बच रहे हैं काम उन सब ने पूरा कराएंगे। देखो मैडम हमसे बढ़िया तो सरपंच तो भी अच्छे गांव के, वो उनको पावर होती है, हमें तो पावर 54 की भी नहीं है। पब्लिक इसमें कोताही बरतती है और पब्लिक भी सफाई का ध्यान नहीं रखती। मैं तो बहुत लाचार हूँ, मैं तो इतना लाचार हूँ कि बस पूछो मत, आत्महत्या करने पर ही मजबूर हूँ। मान लो मेरे वार्ड में मैं जनता की सुन सुन के परेशान हूँ इस टाइम, सच बता रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल करने की मतलब पब्लिक की जब सुनते हैं ना तो बड़ी बेइज्जती होती है। जनता ने आपको चुना है तो आपसे ही पूछे तो मैडम अब असमर्थता मैं आपको जता तो रहा हूँ, अब बोलेंगे वो तो। अब रोड जब आप देखो, रोड पर जब निकला ही नहीं जा रहा, रोड पर लोग पल्ली तरफ से मोटरसाइकिल स्कूटर वाले आते हैं, गिर जाते हैं, बुरी तरह से गिर जाते हैं, पार्षद बन गया गाली ना देंगे, एमएलए पार्षद और उनको ही गाली देंगे और किसको देंगे। ये थे हमारे साथ वार्ड 13 के कार्यकारी पार्षद, जैसा कि आपने सुना काफी असमर्थ नजर आ रहे हैं नगर निगम अधिकारियों को लेकर, क्योंकि इनका कहना है कि वार्ड में जनता काफी त्रस्त है, ये भी त्रस्त है और यहाँ तक कि आत्महत्या करने तक मजबूर है, क्योंकि अधिकारी इनके सुन नहीं रहे हैं और जनता जो है लगातार अपनी समस्याएं लेकर इनके पास आ रही है, जिससे कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और इनका कहना है कि अगली बार ये चुनाव जनता के सामने किस प्रकार से जाएंगे, जबकि जो स्थिति इनकी बनी हुई है, इस प्रकार की जो छवि खराब हो गई है इनकी निगम अधिकारियों के कारण, साफ तौर पर इन्होंने कहा है। हमारे साथ बने रहे, हम आपको सभी वार्ड में लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कि 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए हैं, पार्षद ने क्या विकास कार्य किए हैं और लोग जो है कितने खुश हैं उनके विकास कार्यों से। निभा रचक लाइव न्यूज के लिए। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।